अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आई हैव टू ऐड टू फ्रैक्शंस, ठीक है। और मैं ये देखता हूँ कि इस वाली कैलकुलेटर को किस तरह यूज़ करके मैं दो फ्रैक्शंस को ऐड कर सकता हूँ और फिर अपना फाइनल आंसर किस तरह जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है दैट इज़ 3/4। तो फ्रैक्शंस के लिए मैं ये वाला बटन यूज़ करता हूँ जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मैंने इसको प्रेस किया, ठीक है। 3/4 है, इसका मतलब है न्यूमरेटर में मेरे पास 3 है और फिर डिनोमिनेटर में 4। इंसर्ट करने के लिए पहले मुझे जो है वो नीचे वाला एक प्रेस करना पड़ेगा, मेरा जो जो कर्सर है वो नीचे आ गया और फिर मैंने ये 4 प्रेस कर दिया, तो ये 3/4 हो गया। और उसके बाद जो है मुझे आगे का एक प्रेस करना पड़ेगा, तो ये पूरा फ्रैक्शन हो गया। अब सिंस आई हैव टू ऐड देम, तो ये प्लस का साइन लगा लिया। अगेन दूसरा फ्रैक्शन मेरे पास जो है वो 6/8 है, तो उसके लिए दोबारा मुझे फ्रैक्शन का ये प्रेस करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में 6 है तो 6 आ गया, डिनोमिनेटर के लिए मुझे जो है वो 8 प्रेस करना है। फिर अगेन मैं आगे का एक प्रेस करूँगा, ये फ्रैक्शंस जो है वो इंसर्ट हो गया इस तरह। अब मैं इक्वल्स टू का बटन दबाता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/2, जो कि फ्रैक्शंस में आ रहा है। अगर मुझे ये आंसर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ एक बटन नज़र आ रहा है SOD, इसको आप एक बार प्रेस करोगे तो ये आपका आंसर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपना आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए, तो वापस इसको एक बार प्रेस कर दो तो आपका आंसर जो है वो वापस फ्रैक्शंस में आ जाएगा।